हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं द सीरीज। वीडियो के अंदर मैं रिएक्शन तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन हम देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ से सेकंड ओडीआई इंडिया हार चुका है यार। तो इसके अंदर हम देखने वाले इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, एशियज में काला जादू हो रखा है क्या। कॉमेडी के एपिसोड में देखेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग तरीके से हमको इसमें जानने को मिलता है। वैसे बहुत गंदे तरीके से हारी है इंडिया, लेकिन देखते हैं इस क्रिकेट कॉमेडी के एपिसोड को, बाकी बात हम बाद में करेंगे। सब्सक्राइब कर दो जाओ साथ साथ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है यार। क्रिकेट में काला जादू होना शुरू हो गया, उधर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का भी मैच हो गया जो कि इंडिया हार चुका है। एशेज चल रही है, कोलंबो के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स चले गए हैं वहाँ पर, लंकन प्रीमियर लीग भी शुरू होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, शुरू जहाँ से हम करेंगे वो करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच जो कि कल रात को हुआ था, सेकेंड ओडीआई जो कि इंडिया हार चुका है, पूरी दुनिया से हार चुका है। कोई एक एफिलिएट टीम नहीं जिनसे दोस्त जो है वो हारे ना हो इस वक्त मेरे ख्याल में। क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, ही क्वालिफाई नहीं कर रहे क्योंकि सबसे हारे हैं क्वालिफाइंग में भी, और उनसे इंडिया हार से हारे हुए। पिछले वीडियो के अंदर ही मैं ये बात कर रहा था कि ये जो इनकी टीम है वो रोहित शर्मा और कोहली के बगैर बहुत ही ऑर्डिनरी और बहुत ही वो आईपीएल के जो शहजादे हैं ना वहीं पर ही रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल का और ही प्रेशर होता है, जो मर्जी कह देंगे जी ये प्रेशर वो प्रेशर, अब आम लेकिन देखें ना, एक सिटी की उम्मीदें आपसे लगी हुई और पूरे मुल्क की अगर उम्मीदें लगी हुई हों तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। सो खैर वही हुआ कि ये जो सेकंड ओडीआई था उसके अंदर बहुत ही पतली परफॉर्मेंस थी, 90 के ऊपर एक भी आउट नहीं था। ईशिकिशी ने एक बार फिर से 50 मार दी थी, गिल्ली भी साथ खड़ा हुआ था, उसने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी 36 रन की, 90 के ऊपर कोई आउट नहीं था। और उसके बाद मेरे ख्याल में 150 के ऊपर कोई 8 आउट हुए हुए थे इनके, वो तो एंड में फिर भी कोई टेल टूल ने रेजिस्ट करके तो 180 तक ये ले गए थे। लेकिन मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वेस्ट इंडीज के लिए ये स्कोर भी बहुत ज्यादा, उनका जो पास्ट रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 150 रन पे भी वो मेरे ख्याल में आराम से ढेर हो सकते हैं। और इसी तरह कुछ हो रहा था, उनके 3-4 आउट हो गए थे हमें 60-70 पे, लेकिन उसके बाद होप ने आके जो इनिंग्स खेली उसकी वजह से इंडिया हार गई और उन्होंने बड़ी ही आसानी से ये सेकंड ओडीआई जीत लिया। एक और ओडीआई है उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है। बहुत से मेरे इंडियन दोस्त जो है वो नाराज होना शुरू हो रहे थे, जब पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही हो, पाकिस्तान हार रहा हो तो सब आके यहाँ पे बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं। मेरे चैनल के ऊपर बड़ा ही अनबायस्ड किस्म का आदमी है, बिल्कुल सच बोलता है, लेकिन जहां पर इंडिया हार जाए और वहां पर अगर हम उनके ऊपर थोड़ी सी कॉमेडी करें तो सब इंडियंस को जो वो आग लग जाती है कि दिखा दिया ना तूने अपने को, तू पाकिस्तानी। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी खुश होता है जो मर्जी नाराज होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई टीम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रही है। कोहली और शर्मा के बाद और अभी ये जाएंगे भी तो ये पांडू वांडू जो है ना इन सब के बस वो स्वैग ही हैं। इन दोनों के जाने के बाद मुझे कोई ऐसी टीम कोई खास नजर आनी वहां पर बहुत बनी हुई है, कुछ बच्चों बच्चों की कर भी लेते हैं, अच्छी इंडिविजुअल ब्रिलियंस सिखा भी देते हैं, हर दो मैच के बाद कोई ऐसी इनिंग्स हो जाएगी जिसकी वजह से आप कहेंगे कि वाह बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन वो जो कंसिस्टेंट किस्म की एक परफॉर्मेंस थी ये कोहली, और इसकी वजह से होता भी था ना कि ये लोग जो करके चले जाते थे, उनका टॉप ऑर्डर जो करता था जो मिडिल ऑर्डर कर रहा था, तो उसके बाद जडेजा भी आके पांडू वांडू ये सब आके उनके लिए सारा स्टेज सेट होता था, तो जब स्टेज सेट हो तो फिर आके परफॉर्म करना बहुत ही आसान होता है। वैसे भी अगर दूसरे एंड के ऊपर कोहली खड़ा हुआ हो जो कि हर अच्छी बॉल को भी चौका मार रहा हो, बॉलर्स अगर प्रेशर में गए हुए तो जब वो रन लेते तो दूसरा बैट्समैन जो है वो भी चढ़ा हुआ होता है उसी बॉलर के ऊपर, बॉलर प्रेशर हो जाता है। इसलिए मैं बाबर आजम को भी इतनी सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से जो उसके दूसरे एंड पे खड़ा हुआ होता है ना वो भी चढ़ जाता है बॉलर्स के ऊपर। ऐसे ही एक दो की प्लेयर्स होते हैं जिनकी वजह से पूरी टीम का जो माहौल है वो बदल जाता है, पूरी टीम की परफॉर्मेंस बदल जाती है, और वही नजर आया इस दफा भी। मुझे जो सबसे बड़ी एक अलार्मिंग चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है कि ये कॉम्बिनेशन बनाने की मतलब कोई बैटिंग ऑर्डर अभी तक इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है। आगे एशिया कप आ रहा है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आ रही है, तो एशिया कप शुक्र करें कि आ रहा है जिसके अंदर फिर भी इनके कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएंगे, वरना ये सब डिसीजन क्या ये वर्ल्ड कप के अंदर ले रहे होते। ठीक है, अभी प्रोमोस पर ही जोर है इनका, प्रोमो के अंदर से पाकिस्तानियों को निकाल दें हमें मंजूर है, हम बेशक प्रोमो में ना हो लेकिन हम ग्राउंड के अंदर हों वहां पर परफॉर्म कर रहे हो, हमें ये सौदा बिल्कुल मंजूर है। पहले मैच में भी थोड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिसके अंदर रोहित शर्मा जो सातवें नंबर पे थे और कोहली आए नहीं थे बैटिंग के ऊपर, वो भी कुछ समझ नहीं है अगर उनको खिलाया हुआ है तो चलो खैर चलो पीछे रखा हुआ था, उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये लोग जीत भी गए थे, नहीं तो उसके अंदर भी हालत पतली ही थी। 100 के ऊपर कोई 5 आउट होते, 120 चेस करते हुए भी। उमरान मलिक को भी टीम के अंदर रखा हुआ, उमरान भाई जो है वो बस उनकी तेज गति 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 मतलब यार उस बंदे की मैंने आईपीएल भी देखा है, उस बंदे की अपनी आईपीएल टीम के अंदर जगह नहीं बन रही थी, उसको ओवर देते थे तो सारा स्कोर जो है वो नीचे आ जाता था, इतनी बुरी वो बॉलिंग करा रहे थे, इतनी बुरी लाइन एंड लेंथ के ऊपर पेस थी, लेकिन लाइन एंड लेंथ ही नहीं थी उसको। मेरे ख्याल में सेकंड हाफ जो आईपीएल था उसके अंदर रखा ही नहीं था, मैंने उसको देखा ही नहीं था दोबारा, पहले 5-6 मैच के अंदर वो है उसके बाद वो गायब हो गया, लेकिन उसको ओडीआई के अंदर घुसा दिया, इतनी क्या काम तो करना पड़ेगा भाई लाइन लेंथ पर। और मजे की बात है कि कल जो वो बॉलिंग कर रहा था वो भी 140s में ही कर रहा था, वो भी
143 144 इस तरह में देख रहा था, क्योंकि ऐसी तेज गद्दी भी नहीं निकल रही थी। तीन ओवर्स के बाद उसको फिर हटा दिया था। पिछले मैच भी इसी तरह हुए कि तीन ओवर्स के बाद इसको हटाया हुआ था, स्पिनर्स ने विकेट ली थी। लेकिन जो भी हो, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग है, इतनी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि बस तेज गति की खातिर जो उसको टीम में घुसाया हुआ, उस मासूम पर रैम कर लो यार। वो भी मेरे सोशल मीडिया और आईपीएल की हाइप की वजह से जो है ना बहुत बड़ा सुपरस्टार बना हुआ है, अदरवाइज नथिंग स्पेशल। फिर कल के मैच के अंदर ड्रिंक्स लेके कौन आ रहे थे? कोहली मेरे दोस्त ड्रिंक्स लेके आ रहा था। दुनिया का सबसे महंगा जो क्रिकेटर है वो ड्रिंक्स लेके आ रहा था। ये पाकिस्तान में अगर कोई लेजेंड जो है वो ड्रिंक्स उठा लेता तो ओए ऐसा अजाब जाना था। हमारे कुछ जर्नलिस्ट वगैरह जो उन्होंने इतना बड़ा इसके ऊपर हुआ बना दे रहे थे कि इतने बड़े प्लेयर को इन्होंने बोतलें पकड़ा दी कि जाके पानी दे के आओ। खैर कोहली ने भी ड्रिंक्स सर्व की। खैर तीसरा ओडीआई होगा तो इंटरेस्टिंग हो गया। अब कम से कम सीरीज जो है इसके अंदर वेस्ट इंडीज वाले बड़े अरसे के बाद ही कुछ जीते हैं, जिस तरह इन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दी है पिछले 1.5-2 महीने में, उसके बाद तो ये बहुत बड़ा मोजा किया है जो कि वेस्ट इंडीज ने किया है। दूसरी तरफ अगर एशेज की बात करें तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो है उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और अच्छा, क्या जबरदस्त किस्म का इसका टेस्ट करियर रहा है यार। 600 से ज्यादा विकेट ले चुका है यार, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और क्या यार, ये जो फास्ट बॉलर्स के जो एक एरा था ना, उसके अंदर शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर तो फिर भी कुछ आ जाते हैं नए, लेकिन बाकी दुनिया में पता नहीं कौन आ रहा होगा। खैर इनके हैं तो सही है, जो अभी वुड शूट बॉल करा रहे हो, 155 किलोमीटर की बॉल हो रही थी और नजर ही नहीं आ रही थी, और क्या खूबसूरत फास्ट बॉलिंग हो रही थी। लेकिन फिर भी इसका और एंडरसन का जो स्पेल था और उनकी जो जोड़ी थी वो याद तो आएगी। खैर इसने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो सब लोग जो है मुड़ के एंडरसन को देखना शुरू हो गए कि भाई जान आपके। और वो होता है ना वो जो बंदर, वो जो आंखें चुरा के निकल रहा होता है यूं यूं देख के, उस तरह वो आंखें चुरा के निकल रहा है कि भाई सब लोग कोनिया मार रहे हैं कि भाई आपके क्या ख्याल है, अभी कोई ऐलान कर दे। ब्रॉड चला गया, सबकी उम्मीदें थी कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करेगा, इसने पहले रिटायरमेंट कर ली। तो खैर मुझे लग रहा है वैसे अगली सीरीज में ये भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। अभी शायद वो इसलिए चुप हो गया होगा कि यार इसको थोड़ा सा फुटेज लेने दो, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए कि इसको रिटायरमेंट करके सेंट ऑफ दिया जा रहा है। तो मैं भी अगर इस वक्त ऐलान कर दूं तो वैसे ही जो है वो रंग भांग हो जाएगी, तो मैं अगली सीरीज के अंदर अपना करूंगा जिसके अंदर मुझे भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बस ये दोनों ही आगे पीछे चले जाएंगे, जैसे कि वो एम्ब्रोस और वॉश की जो जोड़ी थी वो भी इसी तरह आगे पीछे ही रिटायर हो गई। खैर ऐसी कोई प्लेयर वेयर नहीं था ये ब्रॉडी जो था, ये इसने जो है ना ये काला जादू वगैरह भी किया हुआ था, ये इसने किया है इसी टेस्ट मैच के अंदर जाके जो है वो जो बेल्स होती है, जो किलियां होती हैं विकेट, वो उसने उसके ऊपर कोई पढ़ पुड़ के छू मंत्र किए, उनको चेंज किए और अगली बॉल के ऊपर ही जो है ये आउट हो गया। भाई ये होते हैं ये छोटे मोटे मंत्र वंतर होते हैं, ये उनको तो पता नहीं है, गोरों को वो तो मासूम लोग हैं, लेकिन हमें सब पता है कि क्या चल रहा है। जिन्नात विन्नात काबू किए हुए होते हैं और फिर उसके अंदर इस किस्म की छोटी कुछ कह रहा है यार, फुल तांत्रिक माहौल मचाया हुआ तुमने दोस्त, मैंने पकड़ लिया। और ये जो पकड़ा गया ना इसीलिए इसने रिटायरमेंट का भी अनाउंस कर लिया, क्योंकि इसको तो पता है कि जितने भी इंडियंस पाकिस्तानी उनको पता है कि किस किस्म का काला जादू होता है, क्या तांत्रिक मटीरियल यूज हो रहे होते हैं, तो इसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। माहौल ऐसे तो कुछ इस तरह बन गया कि 380 का कोई टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने चेस करने के लिए, जो कि शुरू में तो लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तो जो माहौल मचा हुआ है पीछे मेरे हमें 250 रन रह चुके हैं, कोई भी आउट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया का बड़ी बेहतरीन सॉलिड तरीके से वो जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सोच रहे हैं इंग्लैंड वाले, लेकिन मैं चाह तो रहा था बेचारों का आखिरी टेस्ट है ब्रॉड का और एंडरसन भी जाने वाला है, और पिछला मैच वैसे भी डिजर्विंग थे तो कम से कम जीत ही रहते, लेकिन मुझे नहीं लगता अब 250 रन पे यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया का हारना बनता नहीं है। अगर यहाँ से वो हार जाए तो वो उन्हीं को ब्लेम करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो टेस्ट मैच के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, स्पेशली एशेज के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। कभी कभी जो है वो 150-200 रन भी बन रहे होते हैं इसी तरह आराम से, और कभी जो है वो 50 रन के ऊपर आगे गिच्ची फंस जाती है, आउट भी हो रहे होते हैं, समझ नहीं होती कि 50 रन किस तरह बनाएंगे। तो एक सेशन की मार होता है, मेरा ख्याल में गेम जो है वो कल तक चली जाएगी और कल ही पता चलेगा कि क्या होना है, क्योंकि अभी तो फिर भी बारिशें वगैरह हो रही हैं। बट लेट्स सी, एशेज के अंदर आप किसी भी टीम को राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। खैर लंका प्रीमियर जो है वो भी शुरू हुई थी इस वक्त, पता नहीं दुनिया में कहां कहां क्या क्या मैचेस हो रहे हैं, कनाडा में भी हो रहे हैं और यूएसए में भी हो रहे हैं, जिम्बाब्वे में भी हो रहा है, शायद कुछ T10 V10 चल रहा है, और अभी लंका प्रीमियर लीग भी शुरू हो गई। क्रिकेट बहुत हो गया है, मजे की बात ये है कि काफी ज्यादा पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं। कोलंबो की जो टीम है उसके अंदर हमारा बॉबी यानी कि बाबर आजम भी है, और इसी टीम के अंदर रिजवान तू मेरा हीरो है और नसीम शाह भी है, और अभी उनका मैच भी हो रहा है आज। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बंद करके उसके बाद आप जाके मैच भी देख सकते हैं। हमें 7 बजे शुरू हुआ है तो पता नहीं कब तक जाएगा, लेकिन मजे का टूर्नामेंट हो गई। ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी चैनल जो है वो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा। दूसरी तरफ रिजवान जो है वो कनाडा पहुंचे हुए थे, उन्होंने यहां पर 150 मारी है और उसके कुछ ही देर के बाद वो कनाडा में खेल रहे थे और वहां पर भी उन्होंने 50 मार दी थी। और गया भी इसी तरह ये है कि यहां पर 50 मारी है, जाके सीधा एयरपोर्ट पर गया, उधर से फ्लाइट पकड़ी, मतलब 18 घंटे की तो फ्लाइट है, उधर लैंड किए आधा घंटा पहले मैच से पहले वहां पर उसने लैंड किए और उधर से उठ के सीधा चला गया, बैटिंग कर रहा है, कीपिंग भी कर रहा है, 50 भी मार के उधर भी चल सो चल करके आया, सो के भी नहीं आया, जेट लैग लगा हुआ है,
रास्ते में सोया तो होगा, लेकिन फिर भी यार जेट लैग नामी भी एक चीज़ होती है, इतनी लंबी फ्लाइट है भाई। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई जहाज़ में ही गया है, कौन सा पैदल गया है, लेकिन भाई 18-19 घंटे आपको लग पता जाता है कि कोई फ्लाइट से आए हैं आप। बिजनेस क्लास में फिर भी ये है कि बंदा थोड़ा आराम से जाता है, थोड़ा सो वो भी लेता है, और बाज़ औक़ात तो पता भी नहीं चलता कि कब गुजर गए, लेकिन फिर भी जो भी हो फ्लाइट फ्लाइट ही होती है, ऊपर जाके मैच खेलना है यार आगे। उसी से पता चला कि हमारी लीग्स के अंदर जो हमारे लेजेंड बॉलर हैं जिसके बारे में आते थे, तो पाकिस्तानी जो है वो भी समझते हैं उसको टीम में वापस आना चाहिए, वो कोई रिटायर्ड प्लेयर्स जो कि मेरे ख्याल में आज से 10 साल पहले रिटायर हो गए उनसे भी कुट खा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की, जो मेरे ख्याल में पिछले मैच के अंदर ही उन्होंने पहले हफीज़ से कोई पहले ओवर में 16-17 रन खाए, उसके बाद एंड में आके कोई 20-30 रन जो है यूसुफ पठान से भी खाए हैं, तो कुट्टे ही खा रहे हैं मेरा दोस्त जो है, मतलब उन लोगों से कुट्टे खा रहा है जिनको रिटायर हुए भी कोई सदियाँ गुजर चुकी हैं। आज की वीडियो में इतना ही सब कुछ होगा, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को जरूर छू लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और सीबीआरबी का हिस्सा बन जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट कॉमेडी थी, एंड इसके अंदर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला, जैसे कि बाबर आजम अभी खेल रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में। यार कितने मैचेस चल रहे हैं, सच बात है यार, आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया है। हर कंट्री की अपनी अपनी लीग हो गई है, जिनकी नहीं थी वो अब और लॉन्च करते जा रहे हैं अपनी अपनी लीग्स। टीम से हारी है इंडियन टीम, जिसका लेवल सबसे नीचा है इस टाइम, क्वालिफाई नहीं कर पा रही वर्ल्ड कप के लिए, तो उस टीम से हारना यार थोड़ा दुख तो देता है, थोड़ा नहीं बहुत दुख देता है यार, क्योंकि बेइज्जती वाली बात है। एंड यस, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के अलावा शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो ये लेगेसी को आगे लेकर जाए कि इंडियन टीम में कोई है, रोहित है या फिर विराट कोहली है, तो उनके नाम पर टीम चल रही है भाई, उनके पीछे बाकी सब लोग काम करते रहेंगे उनके कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऐसा एक खिलाड़ी और चाहिए, एक दो खिलाड़ी और चाहिए, अगर ये लोग चले गए तो टीम कमज़ोर हो ही जाएगी, ये तो मैं भी मानता हूँ। बाकी बाबर और रिजवान इन फॉर्म चल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम तो भाई बहुत तगड़े फॉर्म में चल रही है, क्योंकि अभी आने वाले मैचेस में अगर देखा जाए तो अभी गुजरे हुए मैच, गुजरे हुए टेस्ट मैचेस और आने वाले एशिया कप में थोड़ा सा खतरे की घंटी तो बजाई है पाकिस्तान ने, क्योंकि फुल टीम जो है वो फॉर्म में चल रही है और कुछ भी परफॉर्म कर सकती है कहीं भी जाकर। तो वैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं यार, क्या कहते हैं उसको, मेहनत वाले, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले। रिजू भाई को देख लीजिए यार, वो फ्लाइट पकड़ कर गए 18 घंटे के और जाते ही खेल लिया, यहाँ पर खेल कर गए बिना नींद लिए, वहाँ पर खेल लिए, भले ही फ्लाइट में सो लिए, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आता है जो बेड पर लेट कर नींद पूरी होती है। वहाँ पर जाकर 50 मार दी भाई, काबिले तारीफ काम किया है उन्होंने भी। खिलाड़ी मेहनत तो कर रहे हैं पाकिस्तान के, इसलिए टीम भी ऊपर आ रही है उनकी। क्या कहते हो आगे, फ्यूचर क्या कहता है एशिया कप और वर्ल्ड कप का, वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड करते हैं वीडियो को।